नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव खेरा और आज हम आए हैं पैनासोनिक के इवेंट पे, जहाँ पे कंपनी ने अपने बजट सीरीज़ के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। एक का नाम है पैनासोनिक एलुगा रे 500 और दूसरे का नाम है पैनासोनिक एलुगा रे 700। और एलुगा रे 500 मेरे हाथ में है, इसलिए मैं आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूँ, उसके बाद इस फोन को लेकर अपने ओपिनियंस बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं इस फोन की आपको खास बात बताऊँ, इस फोन की दो खास बात है। एक तो ये कि इसमें आपको डुअल रियर कैमरा मिल रहा है, 13+8 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, जिसमें कंपनी क्लेम कर रही है कि एक सेंसर जो है वो 120 डिग्री वाइड एंगल पिक्चर लेता है। और मैं आपको उसका डेमो दिखाई देता हूँ। सबसे पहले कि मैंने कैमरा खोल लिया और आप देख सकते हैं कि अभी ये एक रेगुलर मोड पे है और अब इसे मैंने वाइड एंगल मोड करा, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वाइड दिख रहा है मेरा जो पीछे बैकग्राउंड, कैमरा के पीछे जो बैकग्राउंड है वो कितना वाइड हो गया है। और आप देख सकते हैं कि नॉर्मल मोड में एकदम क्लोजअप हो गया है, तो वाइड एंगल काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिक्चर क्वालिटी पर टेस्ट कर लेते हैं, पिक्चर्स काफ़ी स्नैपी शूट कर रहा है कैमरा, शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है, फोकसिंग देखते हैं, फोकसिंग भी ठीक कर रहा है। पर फिलहाल ये अभी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इस फोन को लेके, इसके कैमरा को लेके, इसलिए इसमें मैं जजमेंट नहीं दे पाऊँगा। मैं सिर्फ आपको एक बार इसकी पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी ठीक लग रही है फिलहाल अभी फर्स्ट इंप्रेशन में, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में, आउटडोर में, इनडोर में, लो लाइटिंग सिचुएशन में ये कैसा परफॉर्म करेगा वो हम आपको उसके रिव्यू में बता पाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे टॉप पर बहुत तेज़ लाइट पड़ रही है, इसलिए आपको मेरा चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है इस फोन की, डिनाय नहीं कर सकते हम कि कैमरा शायद कंपनी ने अच्छे बनाए हो, पर एक्चुअल में वो कितने अच्छा परफॉर्म करते हैं हम आपको रिव्यू में बता पाएंगे। इसके साथ साथ इसकी जो दूसरी खासियत है वो है इसकी बैटरी, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, मैसिव 4000 mAh बैटरी है इस फोन में। तो अगर हम पुराने फोन्स या दूसरे फोन जो 4000 mAh बैटरी वाले फोन्स हैं उनसे इसे कंपेयर करें तो हो सकता है कि इससे आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाए। इसके अलावा इस फोन के दूसरे एस्पेक्ट्स पे रुक करें तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है डिज़ाइन वाइज, ये फ़ोन पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल है। जो इसका कर्व डिज़ाइन है वो आपको बहुत अच्छी ग्रिप देगा, साथ साथ में आपको 2.5D कर्व ग्लास भी मिलेगा फ्रंट में। 5 इंच का फ़ोन है, HD डिस्प्ले है इस फोन में। इसके साथ साथ कंपनी ने इसका एक ब्लू वेरियंट भी निकाला जो कि बहुत ही इंप्रेसिव लगता है, फिलहाल वो मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैं आपको गोल्ड वेरियंट ही दिखा रहा हूँ। इसके इंटरनल्स की बात की जाए तो 5 इंच का डिस्प्ले है इसमें, HD रेजोल्यूशन वाला, काफ़ी वाइब्रेंट है और टेक्स्ट शार्प है, रीडेबल है आसानी से, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट काफ़ी शार्प है। और इस पर अगर लाइट भी आएगी तो भी आप इसको आसानी से देख पाएंगे। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलेगा MediaTek का 6737 प्रोसेसर और इसके दूसरे स्पेक्स हैं, 3 GB की रैम मिलेगी इसमें आपको, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जो कि एक्सपेंडेबल है, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है इसमें, आपको अपने सेकेंड सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड नोगा और इस फ़ोन की कीमत है 8,999 रुपये। फ़ोन आपको खास तौर पर फ्लिपकार्ट से ही मिलेगा। अगर हम इसकी प्राइस रेंज देखें तो अपने प्राइस रेंज के हिसाब से इसके कॉम्पिटिटर बनते हैं शाओमी रेडमी 4 और यूरे का ब्लैक है, लेनोवो के 6 पावर है। साथ साथ बता दूँ कि इसमें आपको फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि मैंने टेस्ट नहीं किया, पर हम आपको रिव्यू में उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो ये थे इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन जो कि काफ़ी फिलहाल अच्छे लग रहे हैं हमारे फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से, बट एक्चुअल में ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है वो हम आपको अभी जज करके नहीं बता सकते, हमको उसके लिए प्रॉपर टेस्ट करना पड़ेगा तभी हम आपको एक सही ओपिनियन बता पाएंगे कि ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में खरीदने लायक है या नहीं। और इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ।